सबसे पहले तो यार आपको बताना चाहूंगा, बेसिकली मैंने एक हेलमेट ऑर्डर करा था जो कि कल आ भी गया था, लेकिन प्रॉब्लम भाई क्या हो रही है, उसका साइज है ना वो छोटा हो रहा भाई मेरे को। मतलब इतना एक्साइटेड था उस हेलमेट के लिए भाई मैं, और यार ये कांड हो चुका है हमारे साथ। तो यार मेरे को जो हेलमेट के साइज होते हैं ना उसकी एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से यार थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। मैंने एल साइज ऑर्डर करा था, तो मैंने सोचा था सबसे पहले आपको भी दिखाऊंगा एंड अनबॉक्सिंग करूंगा उसकी। तो यार अभी अनबॉक्सिंग जब दूसरा रिप्लेस होके आ जाएगा उसके बाद ही दिखाऊंगा मैं आपको। अभी हमारा जो पुराना वाला हेलमेट है स्टील बट गए, इसी से अभी हम मोटो ब्लॉक करेंगे। तो भाई थोड़ा सा भी एडजस्ट कर लेना, इसकी साउंड क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब हो रही है इस हेलमेट में, क्योंकि इसमें भाई विंड ब्लास्ट यानी नॉइस ज़्यादा आ रही है। अभी का सीन दोस्तों ये है, अभी हम जा रहे हैं अपनी पल्सर को मॉडिफाई करवाने, यानी आज हम इसके जो ग्राफिक है उसमें थोड़ा सा अलग लुक देने वाले हैं, और बाद में मैं दिखा भी दूंगा आपको कि आई होप आपको पसंद आएगा। ये भाई लोग कैंपिंग के लिए जा रहे हैं कहीं शायद, एंड मौसम भाई अभी एकदम सेक्सी वाला हो रहा है, क्योंकि कल रात को यार इतनी बारिश हो रही थी भाई दबा के, एंड पहाड़ों में तो भाई बुरे हाल है। अगर मेरा आपने पिछले वाला ब्लॉग वीडियो देखा होगा तो उसमें देख लिया होगा आपने, तो आप बताओ व्यू कैसा आ रहा है। आई होप यार पसंद आ रहा होगा आपको भी, काफ़ी सही दिख रहा है मुझे तो। ओ इसको देखो, छोटू को देखो जरा, मतलब पीछे से नहीं देख रहा, वहाँ से देख रहा है बस। अगर स्पीड में होगा ना भाई कोई तो इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो गाइस जो अपनी डेविल है भाई, इसमें मैं आज थोड़ा और मॉडिफाइड करवाने वाला हूँ, मतलब ग्राफिक वगैरह चेंज करने इसके, और ग्राफिक हो गए भाई नियॉन कलर में जिस तरह का यहाँ पे फ्रंट में एक, तो वो आप बाद में देख लेना। तो एक इसकी अभी नंबर प्लेट भी चेंज करवानी है, ये देख सकते हैं काफ़ी ख़राब हो रही है, और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होगी अभी इसमें, बाद में एक आपको कंप्लीट वीडियो दे दूंगा। तो गाइस जो हम आज अपनी बाइक मॉडिफाई करवा रहे हैं वो कालिंदी हॉस्पिटल के थोड़ा सा आगे भाई एक शॉप पड़ती है, मलिक रेडियम आर्ट के नाम से है, ये पीछे जो शॉप देख रहे हैं आप, और यहाँ पर जो मॉडिफाई करेंगे हमारी बाइक को उनसे भी मिलवा रहा हूँ आपको, और शॉप भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये शॉप है भाई, यहाँ पर सिर्फ आपको बाइक के जो भी एसेसरीज मॉडिफाई के जो भी पूरा सीरीज वगैरह होती है वो मिलती है सारी। और ये वो भाई है जो हमारी बाइक मॉडिफाई करेंगे, तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई। और यार ऑडियंस को अपना नाम भी बताओ भाई। मेरा नाम असलम मलिक है, और साथ ही भाई इनका एक YouTube चैनल है जहाँ पर ये मॉडिफाई से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, तो चैनल का नाम भी बता दो भाई ऑडियंस को। मलिक रेडियम आर्ट के नाम से है। हाँ मलिक रेडियम आर्ट के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो है, सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को भी। अगर विकास नगर से हो भाई तो यहाँ पर आप आ सकते हो, काफ़ी अच्छे रेट में बढ़िया काम करके देंगे आपको, ठीक है। वहाँ पर भाई आप देख सकते हैं डेविल की नंबर प्लेट बन चुकी है, अब इसको भी लगाना है और बाकी दिखा देंगे आपको जो भी होगा। तो भाई यहाँ पर पल्सर का पूरा ग्राफिक चेंज कर दिया, और यहाँ पर इसको बना दिया नियॉन एडिशन में, आप देख ही सकते हैं भाई। और बाकी जो कंप्लीट मॉडिफिकेशन होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा, एंड बताओ भाई आप भी कमेंट में आपको कैसी लग रही है। सो गाइस जो यहाँ पर अपनी पल्सर के ग्राफिक चेंज कर रखे हैं वो इन भाई ने कर रखे है, सो थैंक यू सो मच भाई। एंड हाँ अगर आप भी भाई विकास नगर के एरिया से हो या इधर अपना लोकल एरिया से हो तो भाई की शॉप है यहाँ पर कालिंदी हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे, हाँ मलिक रेडियम आर्ट है, और इनका जो चैनल भी है वो इनकी बाइक पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच भाई। एंड गाइस इन भाई का एक चैनल है यूट्यूब का, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यार सपोर्ट करना भाई को। बिल्कुल भाई नया चैनल है भाई का, हमारे सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई को काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो है मॉडिफिकेशन के, और साथ ही अगर आप अपनी बाइक मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो बाइक के शॉप पर आ सकते हो, बाकी एड्रेस वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इनके चैनल का लिंक भी। तो अभी भाई निकलते हैं हम, ठीक है मिलते हैं फिर। तो यहाँ पर डेविल भी लिखवा दिया भाई, क्योंकि डेविल नाम सजेस्ट करा था आप लोगों ने, और अब चलते हैं भाई सीधा, अभी इस पर बाकी बहुत सारे काम है यार वो मैं बताता हूँ आपको अभी।
सो गाइस मैं आपको दो तीन पिछले वाले वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि मैं अपनी जो पल्सर है यानी डेविल है तो इसको मैं अभी मॉडिफाई करवा रहा हूँ। तो आज मैं इसमें जो ग्राफिक वगैरह थे न्योर एडिशन वाले वो मैंने करवा लिए एंड इसके बाद अभी काफ़ी सारे काम रह गए हैं, जैसे एग्जॉस्ट लगवाना है अभी दूसरा एंड क्या बोलते हैं जो रिम का कलर है वो भी चेंज करवाना है, नियॉन वाला करवाना है रिम पे भी। तो काफ़ी सारे काम है और जब भाई ये कंप्लीट मॉडिफाई हो जाएगी ना उसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर रिव्यू दूंगा और डेविल को हम एकदम छकास बढ़ाने वाले हैं भाई। सो ये ला रखी मैंने कल परसों ला रखी है, नहीं कैसी लग रही है सही बताओ है, है? ये देखो नंबर प्लेट नहीं है, सीट नहीं है और ग्राफिक देखो मॉडिफाई करवा रहा है यार, सही लग रही ना। सो गाइस अभी का सीन वही है, अभी निकल रहा हूँ मैं सीधा घर के लिए। ये वीडियो भाई यहीं पर एंड होता है, आई होप आपको पसंद आओगा भाई, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड चैनल पर नए हो भाई तो सब्सक्राइब कर दो आने वाली नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। और हम मिलेंगे आपको सीधा अगले नेक्स्ट के धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।